सर गाइस, जब मैं बैठा हुआ था तो मुझे विचार आया कि राम सेतु जो था, मतलब जो भारत से श्रीलंका को जोड़ने वाला एकमात्र समुद्री रास्ता था, उसे भाई तोड़ा किसने होगा। तो फ्रेंड्स, मैंने इसके ऊपर रिसर्च करना स्टार्ट कर दिया। तो मेरे पास में इसके में भाई दो कॉन्सेप्ट है। सबसे पहला कॉन्सेप्ट था वो था धार्मिक बेस पर, एंड सेकेंड कॉन्सेप्ट था वैज्ञानिक तर्क के ऊपर। तो आज के स्टूडियो के अंदर उन्हीं दो कॉन्सेप्ट को आपको एक्सप्लेन करने वाला हूँ। अगर आपको वीडियो अच्छा लग जाए तो प्लीज लाइक करना एंड सब्सक्राइब करना, अपने फ्रेंड्स को भी इस वीडियो को जरूर से शेयर कर देना। तो स्टार्ट करते हैं आज के इस इंटरेस्टिंग वीडियो को। एनी वेस्ट ऑफ टाइम, लेट्स बिगिन। तो भाई सबसे पहले मैं बात करूंगा धार्मिक कॉन्सेप्ट के ऊपर। तो फ्रेंड्स, आपको पता होगा कि भारत से भाई श्रीलंका को जोड़ने के लिए एक बीच के अंदर एक पुल बनाया गया है जिसे राम सेतु कहा जाता है। और फ्रेंड्स, इसका उल्लेख आपको रामायण के अंदर मिल जाएगा। अब बात करते हैं भाई ये जो राम सेतु मार्ग है इसे क्यों बनाया गया। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि अगर आपने रामायण देखी है तो फ्रेंड्स, भगवान श्री राम जी की पत्नी थी माता सीता, उनका अपहरण जो भाई रावण ने कर लिया था। उस कंडीशन में रावण जो है वो श्रीलंका में रहता था। तो भगवान श्री राम ने जो है उनसे युद्ध लड़ने के लिए इस मार्ग का निर्माण किया था ताकि वो जो है भारत से श्रीलंका जा सके और वहां पर जो है युद्ध लड़ सके। उसके बाद में जब उन्होंने इस ब्रिज का निर्माण कर दिया, उसके बाद में गए जो वो श्रीलंका गए, रावण से युद्ध भी लड़ा और उस कंडीशन में उन्होंने जीत भी प्राप्त करी। उसके बाद में गए जो रावण का भाई था उसे श्रीलंका का राजा बना दिया गया था। अब गए श्रीलंका का राजा तो उन्हें बना दिया गया था, लेकिन विभीषण का कहना था कि अगर जो है कोई मानव जो है अगर इस रास्ते से श्रीलंका में आएगा एंड मुझे यहां परेशान करेगा तो उस चीज में क्या किया जाए। तो श्री राम ने गए इसका हल करते हुए अपने बाणों के थ्रू जो है इस राम सेतु को विखंडित कर दिया था, यानी कि इसे तोड़ दिया था। और श्री राम ने इसके ऊपर तीन ही बाण चलाए थे, उस बीच में गाइस इस राम सेतु के तीन टुकड़े कर दिए। तो फ्रेंड्स, ये तो बात हो गई धार्मिक कॉन्सेप्ट के ऊपर। अब बात कर लेते हैं वैज्ञानिक कॉन्सेप्ट के बारे में। तो फ्रेंड्स, मैं आपको बता दूं, वैज्ञानिक ने जब इसके ऊपर शोध करी, यानी कि इसके ऊपर रिसर्च करी, तो उन्होंने पाया कि 15वीं शताब्दी थी उस कंडीशन तक जो है भाई हम जो है भारत से श्रीलंका तक जो है इसके थ्रू जा सकते थे और ये जो राम सेतु है ये पूरा कंप्लीटेड था और ये बिल्कुल डैमेज नहीं था। बट गाइस, उसके बाद में एक तूफान आता है, उस कंडीशन में जो समुद्र होता है उसके बेसमेंट में हलचल होती है और वो उसकी जो गहराई होती है वो बढ़ती है, और जब वो गहराई बढ़ती है तो उस कंडीशन में जो राम सेतु होता है ये टूट जाता है और गाइस डूब जाता है। तो ये जो तर्क था ये वैज्ञानिकों की शोध के बाद उन्हें पता चला था। वैसे फ्रेंड्स, आपको इन दोनों कॉन्सेप्ट में से कौन सा कॉन्सेप्ट अच्छा लगता है और आपको कौन सा कॉन्सेप्ट सच लगता है कमेंट सेक्शन में जोर से बताना। अगर आप भी जो है भगवान श्री राम के फैन हो तो प्लीज इस वीडियो को लाइक करना एंड सब्सक्राइब जोर से करना। मिलते हैं इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ वापस। बाय एंड टेक केयर।